तो नेक्स्ट जो फिलोसोफर बेटा वो है हमारे पास जॉन डेवी, और इसका जो लाइफ स्पैन है इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1859 व्हेन ही वाज बॉर्न एंड ही वाज डाइड इन 1952। और ये एक कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर है जो मौजूदा दौर सदी का फिलोसोफर है, और जॉन डेवी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के अंदर, फिलोसोफर के अंदर, और इसकी बड़ी से है एजुकेशन के अंदर। और अभी लास्ट में उन्होंने इसको देखा भी है जॉन डेवी को, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर, और जो प्रोग्रेसिविज्म है उसमें इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और फर्दर हम देख सकते हैं कि जॉन डेवी जो है ही इज कंसिडर्ड टू द ग्रेटेस्ट मॉडर्न प्राइम थिंकर, एंड ही वॉज हाँ यस ही वॉज प्रैग्मेटिस्ट। और ये प्रैग्मेटिस्ट जो है ये अमेरिकन एक फिलोसफी है जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 20th ऑफ अक्टूबर 1859 इन द वर्मोंट यूएसए। तो ये यूएसए में वर्मोंट में पैदा हुआ, एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, सॉरी ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। और इसने जो करंट प्रैक्टिस एजुकेशन जिसको बहुत ज्यादा असरदार हुआ उसको चेंज लेके आया। एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड पेडागॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और यूनिवर्सिटी शिकागो में ही सर्व एज द चेयरमैन, एस्टैब्लिश फर्स्ट मेजर एजुकेशन बॉडी स्कूल इन 1896। एंड ही विजिटेड मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, तुर्की, रशिया, जापान। तो इसने ट्रेवल काफी किया, दुनिया को स्टडी किया कंपेरेटिवली कि वहाँ पे कैसे एजुकेशन हो रही है और कैसे बाकी फील्ड्स जो है ना काम कर रहे हैं। तो इसने काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन हैं इसकी, और इसमें सबसे बड़ी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोसफी जो इसने किताब लिखी है, और एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जॉन डेवी की स्कूल के हवाले से द स्कूल एंड द सोसाइटी एंड द चाइल्ड एंड द करिकुलम, ये उसने बुक लिखी है। इसके अलावा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पे इसने किताब लिखी है, इंडिविजुअलिज्म ओल्ड एंड न्यू, तो ये भी एक इसने बुक लिखी है। तो ये कुछ उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिलोसफी है, एजुकेशन है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं ही वाज बेसिकली प्रोलिफिक प्रोलिफिक राइटर, और इसने जो लिखा है उसमें माई पेडागॉजी क्रीड, स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड चाइल्ड, हाउ वी थिंक, इंटरेस्ट एंड एफ इन एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, दीज आर सम ऑफ द वर्क्स रिटन वर्क्स ऑफ जॉन डेवी। तो इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है पिछली सदी में एजुकेशन के फील्ड के अंदर। और इसकी हम बात करें तो जॉन डेवी जो है चूँकि ये प्रोग्रेस भी था प्रैग्मेटिस्म भी था, तो इसने जो बात की है वो सबसे पहले ये बात करते हैं नॉन टर्नल वैल्यूज़। वो ये कहता है कि जैसे आइडियलिज्म में या प्रिमिटिविज्म में हम कंसिडर करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो चेंजेबल नहीं होती, बल्कि ये कहता है कि नहीं, देर आर नो इंटरनल वैल्यूज़, कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती, बल्कि हर वैल्यू जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाती है। तो ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स। और जितने बड़े प्रैग्मेटिस्ट हैं उनकी ये यही सबसे बड़ा उनका ये नहीं है कि सच्चाई वही है जो वो काम करती है जो उनको फायदा देती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अमेरिकन जो हैं वो मौका प्रस्त लोग हैं, यानी अपने मौका को अपने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, और उसी को ये सबसे बड़ी सच्चाई समझते हैं। इसमें अगर किसी का लॉस होता है दे डोंट कंसीडर, तो वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो इसलिए उनकी सच्चाई वही है जो उनके लिए काम करती है उनको फायदा देती है। एंड एक्सपीरियंस इज अ कोर ऑफ फिलोसफी, तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो बड़ा जरूरी है, चूंकि विदाउट एक्सपीरियंसिस हम बच्चों को टीच नहीं कर सकते, बल्कि इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन की जो थॉट है या थ्योरी है वो यही कहता है एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसिस। ये हमने पहले भी डेफिनेशन स्टडी किया है, और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इसकी ये फेवर में था। एंड थॉट्स एंड एक्शंस आर कम्प्लीमेंट्री, वो कहता है कि इंसान की जो सोच है और उसके जो उसका जो एक्शंस हैं ये दोनों लाजमी मलजूम हैं, बड़े ज़रूरी हैं, एंड एवरीथिंग इज प्रोविजनल, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट हो बल्कि प्रोविजनल होती है, कोई चीज़ कैसे भी हो किसी फॉर्म में भी हो सकती है। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स की वो एडवोकेसी करता था, डेमोक्रेसी की एडवोकेसी करता था, और रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के तौर पर वो कहता था कि ये बड़ा अहम रिलेशनशिप है चूँकि इंडिविजुअल्स ही मिलके सोसाइटी बनाते हैं। और फिर वो एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करता था कि आप लर्निंग करनी है तो आप एक्सपेरिमेंटलिज्म की तरफ आएँ, बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाएं साइंस के लैब में, और इंस्ट्रूमेंटलिज्म के इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें और उसके थ्रू लर्निंग करें, और यूटिलिटेरियन ऐसा नॉलेज हो, ऐसी लर्निंग हो जिसका फादियत हो, जिसका जिसमें कुछ हमारा फ़ायदा हो, वो लर्निंग असल लर्निंग होगी। और इसके अलावा जो इसके एजुकेशन के बारे में व्यूज है।
वो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है इटसेल्फ इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज ऑल पॉसिबिलिटीज। तो ये एजुकेशन को कहते हैं कि ऐसी जो है ना वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल कैपेसिटीज को जो इंडिविजुअल उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और उसको इस काबिल करते हैं कि वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सके, उसमें एडजस्ट हो सके और जो भी मुमकिन है उसको मुताबिक उसको सिस्टम को चला सके या फुलफिल कर सके उस रिक्वायरमेंट्स को। तो इसके अलावा ही हैज गिवन सर्टेन नेम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ वैल्यूज, क्या वैल्यूज जो परमानेंट नहीं है बल्कि हर सोसाइटी अपनी वैल्यूज को खुद टाइम के मुताबिक अपने वक्त के मुताबिक दौर के मुताबिक उनको क्रिएट करेगी और मैक्सिमम ग्रोथ वो यकीन करता है कि हम इंडिविजुअल्स की जो मैक्सिमम ग्रोथ है उसको इंश्योर करें, उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट को इंश्योर करें, खासतौर पर जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं उनको मैक्सिमम ग्रो करें उसके जितने भी पॉसिबल हो सके। देन हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में कहता है कि हर जो चाइल्ड है उन सबकी एक जैसी डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और सोशल एप्लीकेशन की बात एफिशिएंसी की बात करता है और हर किसी को मेरा सोशल एफिशिएंट होना चाहिए, सोसाइटी में एडजस्ट होना, सोसाइटी के साथ मिलकर चलना, काम करना और दूसरों के साथ काम टीम वर्क करना। तो सोशली हमें भी एफिशिएंट होना है, सोसाइटी में हमने फिट होना है और सोसाइटी के पर्पजेज को ऑब्जेक्टिव को हमने सर्व करना है। ही वॉज बिलीविंग इन रिच प्रेजेंट लाइफ, तो वो ये कहते थे कि इंसानी जो जिंदगी है वो उसको रिच होना चाहिए, उसके पास फुल ऑफ ह्यूमन या जो भी मटीरियल सोर्सेज है वो उनके पास हों। और इसके अलावा बेटा वो ये कहते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, और इसमें हमें वो गाइड करता है कि जो फर्स्ट फंक्शन एजुकेशन का वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है या ग्रोथ है कि एजुकेशन इंसान को डेवलप करे, उसकी एबिलिटीज को कैपेबिलिटीज को और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स को डेवलप करे। एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन, असल में एजुकेशन के बगैर लाइफ कुछ नहीं है और लाइफ जो है वो एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। तो एजुकेशन का असल लाइफ का असल मकसद एजुकेशन हासिल करना है और एजुकेशन का असल मकसद लाइफ के लिए तैयारी है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बच्चों ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लिए हमने बेटा तैयार करना है उनको। और एजुकेशन के बगैर लाइफ जो है वो अच्छी नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। और ऐसे बेटा जो लाइफ है और इटसेल्फ अगर एजुकेशन नहीं है तो वो भी आइडियल नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो लाइफ के लिए और लाइफ एजुकेशन के लिए है। सो एजुकेशन लीड्स टू सोशल एफिशिएंसी, और एजुकेशन वो टूल है जिसके थ्रू हम बच्चों को सोशली जो है ना वो एडजस्ट करते हैं, उनकी सोशल डेवलपमेंट करते हैं, सोशल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और उनको सोसाइटी का इफेक्टिव मेंबर बनाते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेसिस ऑफ हिज फिलोसफी, तो ये भी एक्सपीरियंस पे बेस करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस करता है इसकी फिलोसफी। कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो इसकी जो एजुकेशन डेफिनेशन है दैट एजुकेशन द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ, तो ये इसीलिए वो एक्सपीरियंसिस के थ्रू बेटा हम बच्चा जो है ना वो लर्न करते हैं। आप भी इसीलिए लर्न कर रहे हैं कि आप मुझे सुन सकते हैं और ये आपके कुछ विजुअल्स हैं वो देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये ज़रूरी है ये एक्सपीरियंसिस। और अगर हम करिकुलम की बात करें तो जॉन डबी सेज दैट करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो रिजिड ना हो, उसके अंदर जो चेंजेस करनी हो डे टू डे बेसिस पे, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे, उनको बेटा इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ऐसा करिकुलम हो, ऐसा निसाब हो जिसकी फादियत हो, जिसको बच्चे पढ़ के अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, उनके अंदर कुछ स्किल्स हो, ऐसे एट्रीब्यूट्स हो, ऐसे ख्वाहिश हो जो जिसको उनको सर्दी में सक्सेसफुल लाइफ गुजारने में मदद दें। देन प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटीज़, और बच्चों को लर्निंग जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाई जाए, चूँकि अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देंगे या बच्चे लर्न बाय डूइंग नहीं करेंगे या फिर वो एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्टिव लर्निंग नहीं करेंगे या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनकी उनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करता है कि भी मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मुख्य अदर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स में शामिल करें या दूसरे सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश के अंदर आप हिस्ट्री भी शामिल कर दें और इंग्लिश के अंदर आप इस्लामियत भी शामिल कर दें और इंग्लिश के अंदर आप थोड़ा सा साइंस भी शामिल कर दें, ऐसे ही साइंस के अंदर जो है आप हिस्ट्री शामिल कर दें, साइंस के अंदर आप सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट शामिल कर दें, तो इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि बच्चा जो है ना वो तमाम सोर्सेज से लर्निंग कर सके और इंटीग्रेटेड करिकुलम हो जिसके अंदर मैक्सिमम अदर सब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन नजर आए। तो मैथड ऑफ टीचिंग के हवाले से वो बात करता है कि जो मैथड सबसे पहले वो बात करता है प्रोजेक्ट मैथड की। बेटा जो प्रोजेक्ट होता है वो एक टास्क होता है जो कि रिसर्च बेस्ड भी हो सकता है और क्लासरूम अदर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉन रिसर्च बेस्ड भी हो सकते हैं, और ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ टास्क होता है जिसको करने में थोड़ा सा टाइम और स्किल्स रिक्वायर होती हैं, तो इसमें मनी और ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए होती है। तो प्रोजेक्ट मेथड में ये प्रोजेक्ट मेथड को एलोकेट करता है
और जिसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इनकर्ज करता है कि टीचर को बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग तरफ आना चाहिए और बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इस मेथड से डेवलप करनी चाहिए ताकि अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। देन वो एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करता है कि टीचिंग में हम मैक्सिमम बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करके दिखाएं और ना सिर्फ करके दिखाएं बल्कि बच्चों को करने खुद करने दें और डायरेक्ट एक्सपीरियंसिस और एक्टिविटी मेथड के थ्रू थ्रू वो लर्न करवाना चाहता है बच्चों को। डायरेक्ट एक्सपीरियंस में तीन तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दीज आर देयर थ्री टाइप्स एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड सिम्बॉलिक एक्सपीरियंसेस। बेटा डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो आप जैसे आप अभी मुझसे लर्न कर रहे हैं तो दीज आर द डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, और जहाँ पे हम जैसे मतलब मैं अभी मरीज होकर आ रहा हूँ तो अब मैं नथिया के लिए गली गया हूँ या साथ में यूपिया गया हूँ या उसके बाद मरी गए हैं तो उसके बाद इस्लामाबाद आए हैं तो दीज वर द माई डायरेक्ट एक्सपीरियंसिस इन लास्ट 2 डेज जो मैंने वहाँ स्पेंड किए। तो अगर मैं आपको वहाँ पर बताऊँ कि नथिया गली हम कितने बजे पहुँचे हैं और फिर हमने वहाँ पे किस होटल में स्टे किया है और वहाँ हमने कौन कौन से खाने खाए हैं और क्या कुछ देखा और फिर हमने जो यूपिया नेचुरल पार्क है उसमें हमने 4 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसमें वॉक की है और उसके थ्रू हम आगे पहुंचे हैं यूपिया नथिया थ्रू यूपिया। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरे डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन बेटा चूंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप आपके लिए बेटा ये जो एक्सपीरियंस ये कंट्रीव्ड है, कंट्रीव्ड या इनडायरेक्ट, इसलिए एक्सपीरियंस मेरे हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस पहुंचे मेरी वजह से तो आप मेरे डायरेक्ट एक्सपीरियंस है लेकिन आपके बेटा अदर एक्सपीरियंस है जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। और उसके बाद बेटा सिम्बॉलिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपको ये जैसे स्लाइड शो हो रही है सिंबल्स के थ्रू रिटन वर्ड्स के थ्रू जो एक्सपीरियंसेस आते हैं वो आपके बेटा सिम्बॉलिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। और एक्टिविटी मेथड जिसमें बच्चों को एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, मुख्तलिफ बच्चों को स्मॉल ग्रुप में या इंडिविजुअल या पीयर वर्क का टास्क दिए जाते हैं तो वो ये सारे बेटा मेथोडोलॉजीज हैं जिनको वो जो जॉन डेवी है वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें फॉलो करना है। और फिर वो डिसिप्लिन की जो बात करता है डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की, और वो ये कहता है डिसिप्लिन इटसेल्फ इज नॉट द एंड और ही टॉक्स अबाउट द फ्री डिसिप्लिन जिसमें रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जिसमें आप बच्चों को सजा ना दें और टीचर मस्ट नॉट बी द डिसिप्लिन कॉन्शियस, और हमें ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है डिसिप्लिन के मैटर में। बच्चे छोटी मोटी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं या थोड़ा बहुत उनको फ्रीडम दी जाए कि वो चीज़ें जो हैं वो अपनी मर्जी से कर सकें ना कि हर चीज़ के लिए ओवर स्ट्रिक्टनेस हो के अब वो हर वक्त सहमे हो गए, डरे हो गए, खौफ से रहे कि टीचर हमें अभी कुछ कह देगा, टीचर हमें पंच कर देगा या हम ये गलत कर बैठेंगे, वो हर वक्त रूल्स रूल्स खेलते रहे। तो ये कुछ फ्री डिसिप्लिन की बात करता है या एटलीस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की बात करता है। तो इसमें टीचर को ये ज़्यादा ख्याल नहीं देता डिसिप्लिन के हवाले से बल्कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन कहता है कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन टीच करें रादर देन कि आप उन्हें जब ये आप उन पे डिसिप्लिन नाफिज करें इम्पोज करें बल्कि वो खुद से रेगुलेट हों, सेल्फ रेगुलेट हों, इसका ख्याल ये है। इसके अलावा टीचर का जो रोल है, टीचर शुड बी प्रैक्टिकल एंड ही शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर, ही शुड प्लान एंड इनकरेज पीपल एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसिस एंड ही सेज दैट टीचर शुड बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू गाइड देम एंड ही शुड इनकरेज डेमोक्रेटिक कोऑपरेशन एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और द चिल्ड्रन। तो ये बात करता है कि जो जितने भी टीचर्स हैं उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको लेसन प्लान करना चाहिए, एक्टिविटीज करने के लिए प्लान करनी चाहिए और एक ऐसी रिच किस्म की इन्वायरमेंट हो लर्निंग की जिसमें बच्चे एक्सपीरियंसिस के थ्रू लर्न करें, उसको फ्रेंडली होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, गाइड होना चाहिए और साथ में वो डेमोक्रेटिक कोऑपरेशन को इनकरेज करें और उनके अंदर इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक डेवलपमेंट उनकी करें और ही शुड बी प्रोफेशनल ट्रेन एंड एफिशिएंट जो हम यहाँ पे आपको कर रहे हैं एंड रिसोर्सफुल एंड सिंपैथेटिक, और फिर उसको रिसोर्सफुल होना चाहिए मीन्स के उसके पास नॉलेज हो, उसके पास रिसोर्सेज हो जो वो शेयर करे, उसके पास रिव्यूअर्स हो और सिंपैथेटिक हो ताकि वो बच्चों के जो इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हो उनकी केयर करें, बच्चों की लर्निंग की केयर करें और उनके साथ जो भी मामला होते हैं सिंपैथेटिकली उनको सुने। और इसके अलावा बेटा जो बात करते हैं वो स्कूल की, वो कहते हैं स्कूल शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ होम, जैसे बच्चा घर के अंदर महसूस करता है अपने को सेफ और कॉन्फिडेंट वैसे बच्चे को बेटा स्कूल के अंदर एक्ट करना चाहिए। उसके लिए जो स्कूल है शुड बी मेजर फॉर्म ऑफ यानी एक एनवायरनमेंट ऐसी हो कि वो घर की एक आपको शक्ल नजर आए बच्चे को और वो घर से खुद को होम सिकनेस के मामले फील ना करें और ही शुड नॉट कंसिडर हिमसेल्फ मोर कम्फर्टेबल एट होम रादर देन एट स्कूल। तो स्कूल शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ होम, तो बच्चों के लिए हम ऐसे स्कूल बनाएं जिसमें बच्चे अपने को ऐसे महसूस करें जैसे वो घर में काम कर रहे हैं और इट शुड बी मिनिएचर सोसाइटी
और स्कूल जो है वो ऐसा छोटा सा एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी हो जैसे एक्चुअल सोसाइटी है, और स्कूल एज ए स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन, और स्कूल को बेटा स्पेशलाइज होना चाहिए। स्पेशलाइज मीन्स के स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को दी जाए मतलब स्कूल्स में, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ स्कूल और टाइप ऑफ स्कूल। अच्छा नेक्स्ट वो बात करते हैं बेटा करियर कंट्रीब्यूशन के हवाले से। अगर हम देखें जॉन डेवी को, तो ही हैज गिवन अ प्रोग्रेसिव आउटलुक टू एजुकेशन, कि एजुकेशन जो फील्ड है उसको इसमें प्रोग्रेसिव आउटलुक दी है, जिसमें हमें कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें चेंज नजर आती है, एंड लिविंग एंड डूइंग इटसेल्फ इन एजुकेशन। और फिर बच्चे जो हैं वो खुद से कुछ कर रहे हैं इसके अंदर एजुकेशन के प्रोसेस में, वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं, खुद से वो चीज़ों को प्रपोज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एंड प्रिपरेशन फॉर लाइफ एक्सपीरियंसिस, लाइफ एक्सपीरियंसिस। और फिर ऐसे स्कूल के अंदर हम बेटा एक्सपीरियंस बच्चों को कराएं जो लाइफ एक्सपीरियंसिस के क्लोज हों, उसके बेस करते हों, और बच्चों को सोशली एफिशिएंट बनाएं ताकि वो सोसाइटी में फिट हो सकें और अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग ना करें। और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, एंड कोर करिकुलम इंटीग्रेटेड करिकुलम एक्टिविटी करिकुलम ऑफर करें, बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू भी टीच करें, उनको कोर करिकुलम भी टीच करें, और अपने जितना मुमकिन हो सके सब्जेक्ट्स के आपस में इंटीग्रेशन करें। और ही वी शुड डिलीवर डेमोक्रेसी थ्रू एजुकेशन, और फिर बच्चों को डेमोक्रेटिक बनाया जाए ताकि कोई राइट्स जो हैं वो सबको दिए जा सकें, सबको एक्सेप्ट किया जा सके विद द डिफरेंसेस, और सबके से हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हों। और एक्सपेरिमेंटल स्कूल हो, ऐसा स्कूल जिसमें एक्सपेरिमेंटलिज्म हो, मैक्सिमम जो लेबॉरेटरी वर्क है वो ऑफर किया जा सके, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को कराई जा सके। सो अगर हम क्रिटिक्स की बात करें तो देयर आर सम क्रिटिक्स ऑन जॉन डेवी, तो वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को बेटा निगेट करता है और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस नहीं कर पाता, जो कि वो कहता है कि जो वैल्यूज हैं वही हैं जो जमाने की जरूरियात हैं, वो हर चीज़ आपके लिए सही है जो आपके लिए सही है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे क्रिटिसिज्म आता है इसपे जॉन डेवी पे। और ही हैज़ नॉट मैंशन द क्लियर एम ऑफ एजुकेशन एंड टू मच एम्फसिस ऑन यूटिलिटी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिज्म, तो बहुत ज़्यादा वो एम्फसाइज किया जाता है प्रैक्टिस पे, जो समटाइम पॉसिबल नहीं होता चूंकि आपके पास एक बजट होता है, पैसों का भी मामला होता है, तो हर चीज़ जो है वो हर टॉपिक को प्रैक्टिस के थ्रू या प्रैक्टिकम के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी टीच नहीं किया जा सकता, एंड टू मच रिलायंस ऑन द एक्सपेरिमेंटल मैथड, इसलिए जो हर टॉपिक के लिए भी एक्सपेरिमेंटल मैथड भी नहीं यूज़ किया जा सकता और उसमें बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। एंड प्रोजेक्ट मैथड इज कॉस्टली एंड नॉट सुटेबल एवरी टाइम, ऐसे जो प्रोजेक्ट मैथड है उसको भी यूज़ करना कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड देर इज हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ द टीचर। और फिर बेटा जी चूंकि सब चीज़ें टीचर ने करवानी है, तो टीचर के पार्ट में ये हमें नज़र आता है कि टीचर ओवरबर्डन हमें महसूस होता है। सो इट वॉज जॉन डेवी बेसिकली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।